भारतीय जनता है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी काठमांडू में उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, किसी बियर बार में वो जो है इंजॉय कर रहे हैं, तो उस नैतिकता के बारे में क्या बोलेंगे, क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं नहीं रतुली आप आए, हालांकि दम टीवी पे बैठ के बोल, टीवी पे बैठ के तो सभी लोग दम लगाते हैं, आज नहीं हमेशा से आप देखेंगे टीवी पे बैठ करके दम लगाने में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो दम दिखता नहीं है। एके मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, उनकी भी इसमें टिप्पणी ले लेते हैं। एके मिश्रा जी, चंपावत किसके लिए आसान लग रहा है, किसके लिए मुश्किल लग रहा है, ये बाइपोल को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए ये जो बाइपोल है स्पेशली, हालांकि बड़ी पार्टियां बाइपोल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती है, लेकिन चूंकि एक मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ से जुड़ा है तो उस पार्टी यानी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी की जो लोकल बॉडी है, स्टेट बॉडी है और नेशनल बॉडी है, इनके लिए ये नाक की लड़ाई हो गई। बाकी दूसरी पार्टियों का कहीं अता पता है नहीं, वो हारे या जीते उससे केवल बेनिफिट एक सम्मान की हो सकती है कि हाँ भाई हमने इनको हरा दिया, लेकिन बीजेपी किसी भी तरीके से इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि ये उसके लिए जीने और मरने, जीवन और मरण का प्रश्न है। कोई और सीट होती तो शायद बीजेपी भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, पीछे भी कई बाइपोल हुए थे उसमें बीजेपी ने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, वो हारे या जीते। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा होने के कारण मैं ये बोलूंगा कि बीजेपी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, और बीजेपी अपना पूरा जी जान लगा करके इस काम को, इस चुनाव को जीतने में लगी हुई है। दूसरी पार्टियों का मुझे एक नेचुरल सा बड़ा वो है कि ऐसा आखिर क्या रीजन है जिसके पीछे इनका इंटरेस्ट हो, सिवाय इसके कि एक चीज ये बोलेंगे कि हाँ जी हमने मुख्यमंत्री को हरा दिया या उनका रास्ता रोक दिया, और तो कोई उनको बेनिफिट होगा नहीं। तो सेंट्रल कमांड दूसरी पार्टियों का इसमें कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं लेगा, और स्टेट लेवल का भी जो हाई कमान है वो भी बहुत इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो लोकल नेताओं के ऊपर छोड़ देंगे मैनेज करने के लिए। जी नहीं, कांग्रेस पार्टी तो ये दावा कर रही है ना, कांग्रेस तो कह रही है कि हम खटीमा वाला इतिहास दोहराएंगे चंपावत में। इस हिसाब से अगर देखा जाए मिश्रा जी, दावा करना कुछ और होता है, मतदाताओं की मजबूरी, अगर मान लीजिए, मैं समझ गया, आप मान लीजिए दावा काम करके दावा करना कुछ और होता है। ओके मिश्रा जी, मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी पूरे दम के साथ वहां पर लड़ती है, पूरे दम के साथ वहां पर लड़ती है, पूरा जोर लगा देती है, कारण महाराज जी से लेकर तमाम नेता वहां पर उतर जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो क्या बीजेपी के लिए ग्राउंड पर कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं, कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, कॉम्पिटिटिव वे में पार्टिसिपेशन होगा, मुश्किलें तो बढ़ती जाती हैं, डिग्री ऑफ कंपटीशन बढ़ता जाता है। लेकिन अब सवाल कांग्रेस के दम की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सवाल उसी पे है, जब मुख्य चुनाव थे आपको दम लगाना था तब आपका दम कहाँ चला गया था? तो क्या गारंटी है इसमें आपका दम जो है दिखेगा? जब पूरे प्रदेश लेवल पे आपको दम लगाना था तब आपने लगाया नहीं, और अब दम लगा करके क्या आप सरकार को पलट देंगे क्या? सवाल तो ये है। तो दम पहले भी नहीं था, दम अब भी नहीं है, उतना दम नहीं है एक निर्णायक भूमिका ये निभा पाए। हालांकि दम टीवी पे बैठ के बोल, टीवी पे बैठ के तो सभी लोग दम लगाते हैं, आज नहीं हमेशा से आप देखेंगे टीवी पे बैठ करके दम लगाने में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो दम दिखता नहीं है। ठीक है रतुड़ी जी, क्या आप मानते हैं ये बात जो अभी कही एके मिश्रा जी ने, कि जब आपको जोर लगाना था, जब आप लोगों को दम दिखाना था, तब तो आप दिखाए नहीं? हकीकत यह है कि अब भी इतना कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा चंपावत बाइपोल में। हालांकि बात सही कही मिश्रा जी ने कि आप जितने प्रवक्ता आते हैं, पैनल पर आते हैं, सभी लोग दावा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर चीजें दिखती नहीं है। हमने देखा बीजेपी ने रोड शो निकाल दिया, पूरी जोर उन्होंने लगा रखा है, जिस लाइक जैसा उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया था, लेकिन एंट्री कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड की जनता ने तो दावे जी को नकारा है ना, इस बात को आप मानते हो या नहीं मानते हो? उत्तराखंड की जनता ने तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन मैं ये मानूंगा जरूर कि खटीमा में नहीं, खटीमा में नहीं नहीं, मैं खटीमा की तो मानता हूँ, लेकिन ये उत्तराखंड की जनता वाली बात तो मैं नहीं मानूंगा वैशाल जी, क्योंकि वो सीएम के फेस थे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। खटीमा में मैं समझता हूँ जन्म संग्रह, ऐसा रेफरेंडम उत्तराखंड में हुआ है बीजेपी ने? एके मिश्रा जी, क्या चंपावत, ठीक है विशाल जी मैं लौट रहा हूँ, मैं एक सवाल और ले लूँ सबसे, क्योंकि समय सीमित है। एके मिश्रा जी, क्या चंपावत एक सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये मान लिया जाए? देखिए कोई भी सीट आज के हिसाब से देखा जाए तो जो इलेक्शन इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है ना, चूंकि बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक आ गए हैं, सोशल मीडिया वगैरह, मार्जिन्स बहुत कम रहे हैं, जैसा कि अभी आप लोग बता रहे थे पिछले चुनाव में जब हुए थे, तो किसी भी सीट को आप सेफ नहीं बोल सकते हैं। इस पूरे डिबेट में मैं अपने मित्रों को सुन रहा था जो बोल रहे थे कि पुष्कर धामी जी हार गए हैं तो हारे हुए आदमी को क्यों ये लोग लड़ा रहे हैं। मैं इनको बता दूं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी कभी चुनाव नहीं लड़े,
वो राज्यसभा से जा करके प्रधानमंत्री बन गए बिना चुनाव लड़े हुए, वो एक व्यवस्था है, उसको मैं गलत नहीं बोलता हूँ। ऐसे मैं तमाम उदाहरण दूंगा। आप मुझे एक चीज ये बताइए, अगर नैतिकता के आधार पे आप ये मांग कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए या चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, एक आदमी कम से कम इतनी जुर्रत इतनी हिम्मत तो कर रहा है कि वो दोबारा प्रयास कर रहा है। कांग्रेस लगातार हारती जा रही है फिर भी जो है चुनाव लड़ रही है। इनके नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी काठमांडू में उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, किसी बियर बार में वो जो है एंजॉय कर रहे हैं, तो उस नैतिकता के बारे में क्या बोलेंगे, क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं नहीं रतुड़ी जी, दस बार लड़े। ए के मिश्रा जी एक मिनट, रतुड़ी जी कुछ कहना चाहते हैं। रतुड़ी जी प्लीज। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सांसद थे, वो चुनाव नहीं हारे थे सर, वो लोकसभा लड़े ना। नहीं वो सत्य नहीं रतुड़ी जी, वो कह रहे हैं कि वो कभी लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नहीं बने। भाजपा के चमचागिरी का मत करो, हिम्मत नहीं थी इसलिए नहीं लड़ते थे। अरे ये हिम्मत नहीं थी, अगर हिम्मत होती तो लड़ते, बार बार लड़ते। आप जो बात रख रहे हैं रतुड़ी जी, तो बीजेपी के चमचागिरी कहां से हो गई? जब कोई तथ्य रख रहा है, ये तथ्य तो मैं भी रख सकता था। वो राज्यसभा के सांसद थे, राज्यसभा का सांसद राज्यसभा में कौन सी जनता वोट करती है? राज्यसभा में जनता थोड़ा वोट करती है जनता। अरे तो यहाँ तो अपमान किया जनता का, यहाँ तो हारे हुए को बना दिया कि नहीं बनाया, तो लोकतंत्र का तो अब हारे हुए को बनाया तो दोबारा चुनाव चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दोबारा चुनाव जीतेंगे तो हम कुर्सी पे बैठे हैं ना। चुनाव आ रही है, बीजेपी के पास भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब जब विधान परिषद नहीं है उत्तराखंड में, अब जब उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है तो जाहिर तौर पर वहाँ से फिर से चुनाव हो रहा है और बाईपोल में जा रहे हैं। बताओ मनमोहन सिंह जी हारे हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए या राज्यसभा से बनाए? वो राज्यसभा सांसद थे कि नहीं थे? अरे मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बात ये है तो एक बोल रहे हैं रतुड़ी जी, हम सब यही कह रहे हैं काफी देर से कि वो राज्यसभा के सांसद थे। खैर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है चंपावत का बायपोल। और मैं विनय गोयल जी एक फाइनल कमेंट आपका लूंगा, उसके बाद डिबेट को मैं क्लोज कर रहा हूँ। विनय गोयल